हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दादी चैल प्लाइन में। तो आज हम पढ़ेंगे सी फोर साइकिल के बारे में कि सी फोर साइकिल क्या होता है। सी फोर साइकिल है, उसकी खोज थी वो हैच एंड स्लेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये जो सी फोर प्लांट होता है, ये हाई टेम्परेचर वाले जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। जिन प्लांट में C3 साइकिल काम नहीं कर पाता है, उन प्लांट में C4 साइकिल काम करता है। तो C4 साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। चलो C4 साइकिल देखते हैं कि C4 साइकिल क्या होता है। सी फोर साइकिल की खोज थी ना, सी फोर साइकिल की खोज सबसे पहले की थी हैच एंड स्लेक नामक वैज्ञानिक ने। इन दोनों ने C4 साइकिल की खोज की थी, इसलिए इस साइकिल को अपन हैच एंड स्लेक चक्र भी या साइकिल भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि डबल CO2 फिक्शन होता है, कि CO2 का डबल फिक्शन होता है, इसलिए इसको डबल CO2 फिक्शन पाथवे भी बोलते हैं। डबल CO2 फिक्शन, डबल CO2 फिक्शन पाथवे, डबल CO2 फिक्शन पाथवे भी बोल देते हैं। अब जो C4 साइकिल होता है ना, C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है ना, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होता है ना। प्रथम फर्स्ट जो इसमें स्टेबल कंपाउंड होएगा, जो बनेगा वो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होएगा। अब ये जो C4 प्लांट होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा ही ये हाई टेम्परेचर के अंदर काम करते हैं। अब वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं क्रंच एनाटोमी, क्रंच एनाटोमी, क्रंच एनाटोमी बोलते हैं। यानी ये मालाकार स्ट्रक्चर होती है, क्रंच का मतलब होता है मालाकार, तो माला लाइक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं इसको। अब ये जो क्रंच एनाटोमी होती है, लीफ के अंदर होती है ये। अब क्या होता है, इस क्रंच एनाटोमी के अंदर एक तो मेसोफिल सेल होती है और एक बंडल सीट सेल होती है। अब मेसोफिल सेल और बंडल सीट सेल, ये दो प्रकार की सेल होती हैं जिनके द्वारा ये पाथवे चलता है। तो अपन इसको सिस्टेमेटिक रूप से देखते हैं कि ये किस प्रकार होती है, तो देखते हैं अपन कि ये किस प्रकार से कार्य करती है, देखते हैं किस प्रकार से कार्य करती है। अब जैसे कि अपन ले लेते हैं, ये ले लिया अपन ने, जैसे कि ये तो अपन मान लेते हैं मेसोफिल सेल, मेसोफिल इसको तो ले लिया मेसोफिल सेल, इसको ले लेते हैं अपन बंडल सीट सेल, इसको ले लिया बंडल सीट सेल। ये दो प्रकार के
सेल हो गया, मेसोफिल सेल एंड बंडल सीट सेल, मेसोफिल एंड बंडल सीट सेल। तो अब इसके बारे में अपन देखते हैं। अब सबसे पहले क्या होता है, इस बंडल, इस ये जो मेसोफिल सेट होती है इसके अंदर पेप नाम का यौगिक होता है, एक पेप। इस पेप की फुल फॉर्म अपन देखें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फोस्फो इनोल पाइरुवेट, फोस्फो इनोल पाइरुवेट, फोस्फो फोस्फो इनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट इसकी फुल फॉर्म। अब क्या होता है कि सबसे पहले CO2 मेसोफिल सेल के अंदर इंटर होती है, कि CO2 होगी वो मेसोफिल सेल के अंदर इंटर होगी। अब CO2, अब मेसोफिल सेल होती है वो क्या होता है, गैस को रख नहीं पाता, गैस ये अवस्था में CO रह नहीं पाएगा इसके अंदर। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्राइड, कार्बोनिक एनहाइड्राइड इसको बोले तो कार्बोनिक, कार्बोनिक एनहाइड्राइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है तो यहाँ पे ये H2O और CO2, H2 और CO2 एंजाइम का कार्य करता है और ये H2 और CO2 को बाइकार्बोनेट में बदल देता है। अब ये बाइकार्बोनेट के अंदर CO2 को बदल देगा तो ये मेसोफिल सेल में स्टेबल रूप से रह जाए। अब यहाँ पे जो पेप होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये जो बाइकार्बोनेट होता है ना, इस बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा पेप कार्बोक्सीलेज के द्वारा, पेप कार्बोक्सीलेज, पेप कार्बोक्सीलेज के द्वारा रिएक्शन करेगा और ऑक्सेलो एसिटिक एसिड का निर्माण कर लेगा, है ना, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। ये यहाँ पर ऑक्सेलो एसिटिक एसिड है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल स्टेबल कंपाउंड है ऑक्सेलो एसिटिक, है ना, जो सबसे पहले बनेगा वो ये ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होगा। ये यहाँ पर 4 कार्बन युक्त होता है इसलिए इस पाथवे को C4 साइकिल बोलते हैं। जिस प्रकार C3 साइकिल के अंदर जो प्रथम RuBP बनती है रूबिस्को, ठीक उसी प्रकार इसमें यहाँ पे ये होता है। अब ये ऑक्सेलो एसिटिक है, ये मेलिक एंजाइम डिहाइड्रेशन, मेलिक एंजाइम डिहाइड्रेशन, मेलिक एंजाइम डिहाइड्रेशन के द्वारा मेलिक एसिड का निर्माण करेगा, मेलिक एसिड का निर्माण करेगा जो भी 4 कार्बन युक्त होगी। अब यहाँ पे, अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पर NADPH2 से NADP+ का निर्माण होगा, यानी NADPH2 है ये NADP+ का निर्माण करेगा या परिवर्तित हो जाएगा, इसमें DP+ में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये मेलिक एसिड है, ये मेलिक एसिड डायरेक्ट बंडल सीट सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाता है, डायरेक्ट इंटर नहीं कर पाएगा तो ये मेलिक एसिड होगा, ये मेलिक एसिड सबसे पहले मेलेट के अंदर चेंज होता है, मेलेट के अंदर चेंज होके ये बंडल सीट सेल में जाता है, बंडल सीट। अब बंडल, अब ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, यानी ये हर किसी को भी इस बंडल से, है ना, मेसोफिल सेल से बंडल सीट सेल में नहीं जाने देती है, इसलिए मेलेट
सेलेक्टिव होता है, इसलिए मेलेट को जाने देती है। मेलेट की जगह एस्पार्टिक एसिड होता है, वो भी हो सकता है। तो मेलेट अब वापस मेलिक एसिड में चेंज होके बंडल सीट सेल में चला जाएगा। मेलिक एसिड बंडल सीट सेल में हो जाएगा, ये 4 कार्बन युक्त था, इसके अंदर आ गया। अब ये मेलिक एसिड है, ये मेलिक एसिड चेंज होगा पाइरूवेट में, मेलिक एसिड पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा। ये मेलिक एसिड पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन ये पाइरूवेट 3 कार्बन युक्त होएगा। अब पाइरूवेट चेंज, अब मेलिक एसिड जब यहाँ पे CO2 बाहर निकलेगी, ये CO2 बाहर निकलेगी, ये यहाँ से CO2 कहाँ चली जाएगी, C3 साइकिल के RUBP के पास, जाएगी, और वो चक्कर फिर से चला जाएगा। RUBP से PGA का निर्माण हो जाएगा, PGA से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाएगा, इस प्रकार फिर शर्करा बन जाएगी, वापस RUBP में चेंज हो जाएगा, इस प्रकार ये C3 साइकिल उधर हो जाएगा। अब एक CO2, ये CO2, दो CO2 यानी, इसलिए उसको डबल CO2 पाथवे बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ पे जो NADP+ था, अब ये NADP+ है, ये NADPH+ में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एंजाइम मेलिक एसिड को पाइरूवेट में बदलता है, वो किसकी उपस्थिति में होता है, वो होता है NADPH+ मेलिक एंजाइम की उपस्थिति में पाइरूवेट में बदलता है, जो 3 कार्बन युक्त होता है। अब ये पाइरूवेट चला जाएगा मेसोफिल सेल के अंदर, ये पाइरूवेट चला जाता है। जैसे ही मेसोफिल सेल में पाइरूवेट जाएगा, तो ये पाइरूवेट पुनः एक बार, ये पाइरूवेट फिर से पेप में बदल जाएगा, है ना, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा। किसकी उपस्थिति में होगा ये, यहाँ पर चेंज होगा ऑर्थो डाइकाइनेज एंजाइम के द्वारा, ऑर्थो डाइकाइनेज, ऑर्थो डाइकाइनेज की उपस्थिति में ये हो जाएगा। यहाँ पर जो कैटालिस्ट होएगा उसका काम करेगा मैग्नीशियम, Mg करेगा। अब यहाँ पर टू ए टी पी यहाँ पे 2 AMP यानी एडिनो ट्राइफोस्फेट है, ये एडिनो मोनोफोस्फेट में चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे मुख्य रिएक्शन यही होती है कि औरों में तो ATP से ADP का निर्माण होता है, लेकिन C4 साइकिल में ATP से AMP का निर्माण होता है, ये इसके अंदर मुख्य होती है। ये था हमारा C4 साइकिल। तो एक बार जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपन। रिवाइज में ये है कि मेसोफिल सेल एंड बंडल सीट सेल, दो सेल होती है C4 साइकिल के अंदर। अब ये CO2 आएगी मेसोफिल सेल में, ये गैसीय अवस्था में नहीं रह सकती, इसलिए ये कार्बनिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में H2, इसके अंदर जो H2 होगा ये CO2 के साथ रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेगा। बाइकार्बोनेट फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ मिलके इसका निर्माण कर लेगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट का निर्माण कर लेगा। फॉस्फोइनोल पाइरूवेट पेप कार्बोक्सिलेज के द्वारा बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ऑक्सैलो एसिड एसिटिक एसिड का निर्माण कर लेगा, जो 4 कार्बन युक्त होता है, मेन फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है। फिर मेलिक एंजाइम डिहाइड्रेशन के द्वारा मेलिक एसिड होगा, वो मेलेट में
चेंज इसलिए होता है क्योंकि बंडल सीट सेल होती है वो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, जो सिलेक्टिव पदार्थ होते हैं उनको, जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको अंदर लेती है। तो ये मेलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, जो 4 कार्बन युक्त होगा, मेलिक एसिड से पाइरुवेट का निर्माण हो जाएगा, पाइरुवेट से फिर पेप का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो CO2, ये C3 साइकिल में, अब C3 साइकिल क्या होता है ये मैंने अपनी पीछे वाली वीडियो के अंदर दे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि C3 साइकिल क्या होता है, किस तरह C3 काम करता है। अब C4 प्लांट होता है ना, C4 जहाँ C3 साइकिल जहाँ काम नहीं कर पाता है वहाँ C4 काम करता है, लेकिन जहाँ C3 साइकिल काम करता है वहाँ C4 भी साइकिल काम कर सकता है। अब C4 साइकिल का यदि अपन कोई एग्जांपल लें तो इसका एग्जांपल हो गया सुगर केन प्लांट हो गया, इसके अंदर भी होता है। और यदि एग्जाम्पल लें तो मक्का हो गया, जो हो गया, मक्का यानी जिया मेज हो गया, जो यानी सरगम बल्गेर हो गया, गन्ना हो गया इत्यादि के अंदर C4 यानी जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे C4 साइकिल काम करता है। तो ये था अपने C4 साइकिल। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।